नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए रोग के बारे में चर्चा करने हेतु। आज कल हमने सेरिब्रो स्पाइनल फीवर के बारे में चर्चा की थी। उषा तबानी जी उपस्थित हो गए हैं, विकेश महाजन जी उपस्थित हो गए हैं, विकेश महाजन जी, अनुराधा जी उपस्थित हो गई हैं, धीरे धीरे सारे चिकित्सक उपस्थित हो रहे हैं। कल सेरिब्रो स्पाइनल फीवर के बारे में चर्चा की थी, आज हाइपर पिट्यूटरिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न ले लेते हैं। दीप्ति पाथरकर, इनका एक पेशेंट है, 8 वर्ष का है, मेल है, कृमि रोग से ग्रसित है। मोशन करते वक्त, मोशन के साथ और गुदा से भी कृमिपात होते रहता है। सोते समय गुदा से कृमिपातन होता है और मल प्रवृत्ति करते हैं तब भी कृमि जाते हैं। मुझे लगता है ये निश्चित रूप से छोटे कृमि होंगे। वास्तव में ये बहुत ही मुश्किल से जा पाते हैं। इसमें खान पान का विशेष ध्यान में रखना पड़ता है। पेशेंट को आइसक्रीम, गुड़ शक्कर, मिठाइयाँ, चॉकलेट आदि का सेवन पेशेंट को न कराएं। मिट्टी का यदि सेवन करता हो तो मिट्टी का सेवन भी न कराएं। और इसमें जैसा आपने कहा कि ट्रीटमेंट हम दे ही रहे हैं, साथ साथ में आप पलाश बीज चूर्ण और विडंग चूर्ण ये 2.5-2.5 ग्राम ले लीजिए दोनों को, और गुड़ में मिला करके छोटी छोटी दो बटियां तैयार कर लीजिए और इन बटियों को रात्रि में सोते समय खिला दीजिए। ऐसा लगातार 7 दिन दीजिए। मुझे विश्वास है कि 7 दिन के अंतर्गत जो कृमि हैं निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा कृमि मुद्गर रस आप दे ही रहे हैं शायद, 60 मिलीग्राम, और सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, दोनों को मिला करके शहद के साथ चटावें। अरविंदासो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को पिलाएं, और विडंगा रिष्ट भी पिलाएं। ये लगातार 3 महीने तक ट्रीटमेंट है, निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। कौन सी औषधि, एक प्रश्न और है इनका दीप्ति पाथर का, कौन सी औषधि फास्टिंग ब्लड शुगर में या पोस्ट प्रेनियल डायबिटीज में काम करती है? तो जितने भी मधुमेह नाशक योग हैं वो दोनों में काम करते हैं। फास्टिंग का यदि बढ़ाओ तो भी, पोस्ट प्रेनियल यदि शुगर है तो भी, दोनों में काम करते हैं। अलग अलग औषधियाँ नहीं हैं मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के आधार पर। जैसे आप स्वर्ण बसंत मालती रस देते हैं या सॉरी बसंत कुसुमा कर देते हैं तो दोनों स्थितियों में लाभ करेगा। एमरीप्रेस ग्रेन्यूल्स देते हैं वो भी दोनों में लाभ करेगा। तो इसके लिए अलग अलग औषधियों का विभाजन शास्त्रों में उपलब्ध नहीं है। आपका कोई इसमें अनुभव हो तो जरूर बताने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर अनुराधा जी, उन्होंने पूछा है कि निमोनिया में जो स्वर्ण क्षीरी के मूल का स्वरस देना है वो कितनी बार देना है और कितने दिन तक देना है। आप 7 दिन तक ये स्वरस दे सकते हैं, आधा चम्मच से 1 चम्मच, लगभग 2.5 ml से 5 ml, ट्वाइस ए डे, 1 वीक।
अनुभव में तो यह आया है कि 3 दिन देने के बाद ही रोगी को काफ़ी आराम महसूस होता है, लेकिन आप 7 दिन तक इसको दे सकते हैं। 7 दिन में निमोनिया निश्चित रूप से आराम प्राप्त हो जाता है। डॉक्टर चंद्रकला, उनका एक पेशेंट है 32 इयर्स का, वेट ज़्यादा है, पैरों में अल्सर है, नॉन डायबिटिक पेशेंट है और 12 वर्ष आयु की उम्र में कंपाउंड फ्रैक्चर शायद उनको हो गया था। तो मुख्य दो चीज़ें मेरे को यहाँ दिखती हैं, एक तो ओवरवेट और दूसरा जो फुट में अल्सर हो जाता है। ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट को अंगूठे में अल्सर होने की शिकायत प्राप्त होती है। अब आपने फुट में लिखा है तो यह स्थान निश्चित नहीं है, लेकिन चूंकि डायबिटिक नहीं है इसलिए उस दृष्टि से विचार करना उचित नहीं है। पहले तो आइए स्थूल की चिकित्सा के बारे में चर्चा करते हैं। यह फुट अल्सर में भी काम करेगा। आप अभ्यंतर स्नेहपान पंचतिक्त घृत से या मूर्छित तिल तेल से करा लें और वमन कराएं, उसके बाद विरेचन कराएं। विरेचन के पश्चात फिर लेखन वस्ती देवें। लेखन वस्ती त्रिफला, गिलोय, सुंठी, नागरमोथा और विडंग 50-50 ग्राम ले लें। 300 ml काढ़ा बना लें, 50 ml गौमूत्र, 50 ml शहद, यमक्षार 20 ग्राम, 5 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर के वस्ती देवें। 16 वस्ती कम से कम देवें। तो वमन, विरेचन, इसके अलावा वस्ती, लेखन वस्ती, साथ ही साथ मेदोहर गुगुलू 2-2 गोली दिन में 3 बार, टैबलेट ओबेनिल, ये चरक की आती है, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, चूर्ण में त्रिफला चूर्ण और विडंग चूर्ण, ये दोनों को मिला के बारीक चूर्ण ले लें और 1-1 चम्मच दिन में 3 बार या 2 बार पेशेंट को दें। खान पान में परहेज रखें। लगातार 3 महीने के इलाज से निश्चित रूप से वेट लॉस होगा और इससे अल्सर में भी आराम होगा। लोकल ट्रीटमेंट अल्सर के लिए आप निम्ब छाल क्वाथ से या निम्ब पत्र क्वाथ से प्रक्षालन करें प्रतिदिन, और जात्यादि तेल या जात्यादि घृत से थोड़ा सा उसमें हल्दी मिला दें और इससे व्रण पट्टन बंधन करें। प्रतिदिन प्रक्षालन करना है, प्रतिदिन व्रण पट्ट बंधन करना है। इसके अलावा इसमें पंचनिम्ब बटी आरोग्य वर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार और ऐड कर दें, इससे ये व्रण निश्चित रूप से हील हो जाएगा। मल्टीपल या कंपाउंड जो फ्रैक्चर हुआ है उसमें भी तकलीफ हो तो लाक्षादि गुगुलू 1 गोली सुबह 1 गोली शाम का सेवन आप पेशेंट में करा सकते हैं। डॉक्टर रजनीश शर्मा, उन्होंने पूछा है डायबिटिक पेशेंट को शुद्ध घृत खाने अथवा पीने के लिए दे सकते हैं? तो खाने में तो चुपड़ कर ले सकता है, अधिक मात्रा में रेगुलर नहीं लेना चाहिए, लेकिन जहाँ तक बात आपने पीने की पूछी है वो मैं समझता हूँ आभ्यंतर स्नेहपान के बारे में आपने जानकारी चाहिए है। तो यदि डायबिटिक का पेशेंट बलवान है, दोष बलवान है, रोग बलवान है, ऐसी अवस्था में संशोधन कराने की प्रथा है, संशोधन कराना चाहिए। बहुत स्थूला प्रमेय ही बलवान है का कृषस्तिका परिदुर्बलस्यो संब्रह्म तत्व कृषस्य कार्यम संशोधन दोष बलाधिकस्य। ऐसी अवस्था में यदि आपको शोधन कराना है तो वहाँ पर आप पंचदिक्त घृत का सेवन आभ्यंतर स्नेहपान के रूप में करा सकते हैं, या मूर्छित तिल तैल का आभ्यंतर स्नेहपान आप सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने तक आप कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि घृत जो है औषधियों से सिद्धित है, इसलिए
फैट बढ़ने की संभावना शरीर में नहीं रहती है, इसलिए आप आभ्यंतर स्नेहपान के रूप में पंचतीर्थ घृत, त्रिफला घृत या मूर्छित तिल तेल का सेवन मधुमेह के रोगी में आभ्यंतर स्नेहपानार्थ जब आप वमन विरेचन कराते हैं उसके पूर्व जो आभ्यंतर स्नेहपान करते हैं उसमें आप निश्चित रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर रंजीत गुप्ता, स्प्लीनोमेगैली का ट्रीटमेंट। स्प्लीनोमेगैली निश्चित रूप से ये उदर रोग के अंतर्गत जो प्लीहोदर का वर्णन है उसमें आ सकता है। असितस्यादि संक्षोभात यानि आति चेष्टैः अतिव्यवाय भाराद बौन व्याधि कर्षणैः है वाम पार्श्वाश्रितः प्लीहः च्युतः स्थानः प्रवृत्ते शोणितं वारसाद्यभ्यो विवर्धगतं तं विवर्धयेत। इस तरीके से यहाँ स्प्लीन बढ़ने के कारण बताए गए हैं। तस्य अब अगर हम इसकी उपेक्षा करते हैं तो ये धीरे धीरे स्प्लीन बढ़ जाती है जिसको हम स्प्लीनोमेगैली कह सकते हैं। ऐसी अवस्था में एक तो जिनको लगातार कालाजार होता रहता है, फीवर आता रहता है या मलेरिया होता रहता है, ऐसी अवस्था में या सिकल सेल एनीमिया होता है, ल्यूकीमिया होता है, ऐसी अवस्था में भी स्प्लीन बढ़ जाती है जिसको हम स्प्लीनोमेगैली कह सकते हैं। इसके लिए आप आभ्यंतर स्नेहपान मूर्छित तिल तैल या त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराने के पश्चात विरेचन करा दें। आभ्यंतर स्नेहपान करने के पहले दीपन पाचन पंचकोल क्वाथ से, पंचकोल चूर्ण से या त्रिकट चूर्ण से आप करा दें। निरामावस्था प्राप्त होने के बाद आभ्यंतर स्नेहपान सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने तक करें और विरेचन कराएं। विरेचन से निश्चित रूप से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद इसमें लेखन वस्ति देवे, लेखन वस्ति से भी स्प्लीनोमेगैली में लाभ प्राप्त होता है जैसे मैंने पहले बताया। इस लेखन वस्ति औषधियों में सरपुंखा पत्ती को तोड़ते हैं तो धनुष के आकार का आकृति बन जाती है, इसलिए इसका नाम पर सरपुंखा पड़ा है। इसका चूर्ण एक चम्मच सुबह शाम को लेवे लगभग एक माह तक, या सरपुंखा क्षार बना लें। बहुतायत में आपको मिलेगा, बरसात में ठंडी की ऋतु में यह अधिकतर पाया जाता है। आप पंचांग इसका इकट्ठित कर लें, सुखा लें और जला दें और क्षार बना लें। क्षार का सेवन भी आप 250 मिलीग्राम की मात्रा में दिन में दो बार इसका सेवन कराएं। इसके अलावा रोहित का अरिष्ट और भू आमल की या निम्बादि क्वाथ मिल जाए तो दो चम्मच रोहित का अरिष्ट, चार चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम पेशेंट को देवें। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी एमली क्योर डीएस कैप्सूल, दो कैप्सूल और आरोग्यवर्धनी दो, दिन में दो बार पानी के साथ इसका सेवन कराएं। रस औषधियों में यकृत प्लीहारी लौह 250 मिलीग्राम, शिलाजित्यादि लौह 250 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, यह एक मात्रा है। ऐसे दिन में दो या तीन मात्रा शहद के साथ दें। प्रारंभ में जब देंगे तो मल प्रवृत्ति पतली दो तीन बार होती है, लेकिन धीरे धीरे आप कंटिन्यू मेडिसिन करेंगे तो फिर प्रातःकाल सायं एक एक बार मोशन जरूर होगा। ये ट्रीटमेंट करने से स्प्लीनोमेगैली में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। डॉक्टर चैताली सिग्ने, इनका एक पेशेंट है। पेशेंट के इंडेक्स में मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर यानी तीनों जो उंगलियां हैं, इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर और कुछ पाल्मर रीजन का स्थान
गदिली जिसको कहते हैं, वहाँ नमनेस महसूस होती है और निडल को प्रिक करने पर उनको सेंसेशन नहीं होता। आपने जलों का उच्चारण, पत्रपिंड श्वेद आदि सब करा चुके हैं लेकिन उतना लाभ पेशेंट को प्राप्त नहीं हुआ। इसमें निश्चित रूप से यह नर्व कंप्रेशन का केस है और दो प्रकार का सिस्टम होता है शरीर में, मोटर सिस्टम और सेंसरी सिस्टम। तो इसमें सेंसरी नर्व कंप्रेस्ड है, इसकी वजह से ये लक्षण प्राप्त हो रहे हैं। इसकी तुलना आपने कार्पल टनल सिंड्रोम से की है, उसमें भी नंबनेस एंड टिंगलिंग इन द हैंड एंड आर्म कास्ड बाई पिंच्ड नर्व इन द रिस्ट, यहाँ भी कंप्रेशन की बात कही गई है। लक्षणों में पेन होना, पेन इन द हैंड विद नंबनेस ऑफ द हैंड एंड द आर्म, पूरा हाथ और पूरा आर्म जो है इसमें प्रभावित होता है। लेकिन इस पेशेंट में सिर्फ इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर ही प्रभावित है। निश्चित है तो यह नर्वस सिस्टम की व्याधि, उसी दृष्टि से आपको चिकित्सा करना है। तो इसमें मृदु शोधन करा दीजिए, पहले आभ्यंतर स्नेहपान 3 दिन करा दीजिए अश्वगंधा घृत से या शतावरी घृत से, और विरेचन करा दीजिए। तीक्ष्ण विरेचन नहीं कराना है, मृदु, हमेशा वातव व्याधियों में मृदु विरेचन करना चाहिए। विरेचन के पास इसमें उद्धर्तन करिए, उद्धर्तन अश्वगंधादि चूर्ण से या अश्वगंधा मुलैठी गिलोई चूर्ण, ये तीनों को मिला करके और उद्धर्तन करिए। उद्धर्तन में निश्चित रूप से उद्धर्तन थोड़ा से घृत मिला लीजिए और फिर करिए, इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके अलावा अभ्यंग सहचर तेल या अश्वगंधा बला तेल से अच्छी तरह अभ्यंग करें और हल्का स्वेदन, नाड़ी स्वेद करते रहें निरंतर। ऐसी अवस्था में टैबलेट पल्सी कैप्सूल पल्सी न्यूरान 2 कैप्सूल सुबह शाम को, टैबलेट नियो 2 सुबह 2 शाम को इसको देना प्रारंभ करें। रस औषधियों में वात कुलांतक 60 मिलीग्राम, एकांग वीर रस 125 मिलीग्राम, मुक्ता पुराल पंचामृत 125 मिलीग्राम, ये दिन में 3 बार शहद के साथ सेवन कराएं। इसमें शुद्ध शिलाजीत का प्रयोग भी बड़ा श्रेष्ठ लाभकारी सिद्ध हो सकता है। 500 मिलीग्राम शुद्ध शिलाजीत आधा कप दूध में घोल करके सुबह शाम आप दीजिए, ये निश्चित है अत्यंत उपयोगी चिकित्सा इसके लिए रहेगी। इसके अलावा अश्वगंधा और केवाँच बीज चूर्ण प्रत्येक 100-100 ग्राम लेके 200 ग्राम तैयार हो जाएगा, 1 चम्मच सुबह और शाम को दूध के साथ सेवन करें। इसे सम्मिलित प्रयास से, सम्मिलित ट्रीटमेंट देने से निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर लक्ष्मण राजपूत, उन्होंने हाइपोथायराइड में गोमूत्र और हरिती का प्रयोग किया होगा। उनका प्रश्न है कि ये कितना लाभदायक है और इसकी क्या विधि होनी चाहिए। गोमूत्र हरित की हरण आप रात्रि में, छोटी हरण रात्रि में गोमूत्र भिंगो कर रख दीजिए और प्रातःकाल इसका सेवन आप कर सकते हैं। हरितकी को क्रमशः बढ़ाकर 10 हरित तक का प्रयोग कर सकते हैं। इसको वर्धमान जो रसायन का प्रयोग है वैसा भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा 1 हरितकी 1 दिन पहले गोमूत्र में डाल दीजिए और प्रातःकाल उसका सेवन आप कर सकते हैं और क्रमशः बढ़ाते हुए 10 हरितकी तक बढ़ा सकते हैं, उसके बाद कम करिए तो निश्चित रूप से हाइपोथायराइड में लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अन्य ट्रीटमेंट जो मैंने कई बार बताया है वो भी आपको करना चाहिए। डॉक्टर सुरुचि सिंह,
डिसलोकेशन ऑफ पटेला, तो सबसे पहले तो प्रयास करिए कि स्वस्थान में उसको स्थापित करके और क्रेप बैंडेज बांध दीजिए और पेशेंट को कम से कम 15 दिन आराम करने के लिए बोलिए। वेदना इसमें होती है, कई बार स्वेलिंग हो जाती है, उसके लिए दशांग लेप 20 ग्राम और दशमूल काढ़ा मिलता है उसका चूर्ण बना लीजिए। तो जितना दशांग लेप है 20 ग्राम, उतना ही दशमूल के चूर्ण ले लीजिए। अच्छा बारीक इसको पीसिए। पीस लेने के बाद जब ये लेप तैयार हो जाए तो इसमें एक चम्मच सरसों तेल, एक चम्मच शुद्ध घृत और 2 चम्मच कांजी ये डाल के और पीस लीजिए। और इसका लेप रात्रि में सोते टाइम लगा करके ऊपर से पट्टी बांध लें। ऐसा आप लगातार करेंगे 15 दिन तो निश्चित रूप से पटेला अपने स्थान में स्थापित हो जाएगा। अगर पटेला में फ्रैक्चर हो गया हो तब तो स्थायी बंधन आपको हड्डी रोग विशेषज्ञ से कराना पड़ेगा। इसके अलावा लाक्षादि उगुलु और हड जोड़ ये हिमालय बनाता है टैबलेट, 2-2 गोली दिन में 2 बार पेशेंट को दीजिए और 15 दिन पूरा आराम करने के लिए बोले तो निश्चित रूप से पटेला अपने स्थान में स्वस्थान में स्थापित हो जाता है। डॉक्टर सुकुमार जोशी, उनका एक पेशेंट है 52 ईयर्स का, अविवाहित है, स्वप्न दोष से ग्रसित है। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, अगर वो अविवाहित है तो 15 दिन में 1 माह में स्वप्न दोष हो जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गलत प्रक्रियाएं करते हैं और हर दूसरे तीसरे दिन स्वप्न दोष हो जाता है तो पहले तो अपनी जो दैनिक प्रक्रियाएं हैं उसको सुधार लें। साथ में कुछ औषधियों का सेवन करें, जैसे नागकेसर चूर्ण, धाय पुष्प चूर्ण और मुलैठी, धाय पुष्प, मुलैठी और नागकेसर, इनका बारीक चूर्ण कर लें, 1-1 चम्मच दिन में 3 बार दें। मोशन क्लियर हो ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अपान वायु की विकृति से ही स्वप्न दोष होता है। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल 20 ml कैस्टर ऑयल दुग्ध के साथ दे दें या एरंड भ्रष्ट हरित की रात्रि में 2.5 ग्राम की मात्रा में, 2.5 से 5 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन देवें तो निश्चित रूप से स्वप्न दोष नहीं होगा। दैनिक क्रियाएं पेशेंट को ठीक होनी चाहिए, बहुत कामुक जो लिटरेचर होता है उसको नहीं पढ़ना चाहिए, एकांत में बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए, हमेशा अपना काम करते रहें, क्योंकि दिन भर जो सोचते हैं वही रात्रि में स्वप्न के रूप में और स्वप्न दोष के रूप में निकलता है। तो अपनी दिनचर्या के बारे में उनको जरूर समझाएं। डॉक्टर दीप्ति पाथरकर, उन्होंने एक और प्रश्न पूछा है, प्लूरल इफ्यूजन, इस पेशेंट में 15 दिन में टैपिंग करनी पड़ती है, ड्राई कफ रहता है, डिशनिया भी रहती है और 2 साल पहले उनको पेरिकार्डाइटिस रोग भी हुआ था, डायबिटिक है, ट्यूबरकुलोसिस उनको नहीं है। तो निश्चित है पहले प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरा के बीच में पानी भर जाता है, कलेक्शन हो जाता है और इससे टैपिंग करनी पड़ती है बार बार, और बार बार टैपिंग करने से वो प्रक्रिया निरंतर चालू रहती है। इसके लिए हमें ट्रीटमेंट देना है तो इसमें पिपली रसायन का प्रयोग करें। पिपली रसायन 1 पिपली से प्रारंभ करके 10 पिपली तक जाएं और 10 के बाद फिर 1 पिपली बनाएं और दुग्ध के साथ इसका सेवन पिपली का करना चाहिए। शास्त्रों में तो सहस्त्र पिपली रसायन प्रयोग करने का उल्लेख है,
लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है, एक से प्रारंभ करके 10 पिपली तक आप प्रयोग करें, 10 से कम करें, इससे निश्चित लाभ होगा। इसके अलावा रस पिपरी रस 125 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम और श्वास काश चिंतामणि 60 मिलीग्राम, ये दिन में 3 बार शहद के साथ या च्यवनप्राश के साथ रोगी को सेवन कराएं। तो प्लूरल इन्फ्यूजन में इसमें निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। ड्राई कफ है तो इसमें मुलेठी, कंटकारी, गिलोय और वासा, मुलेठी, कंटकारी, गिलोय और वासा, इन चारों को बराबर मात्रा में ले लीजिए, योगकुट कर लीजिए, 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं, ऐसा 1 कप सुबह शाम को दोनों टाइम पिलाएं तो ड्राई कफ में निश्चित रूप से आराम होगा। डिशनी अधिक हो तो एक तो गर्म पानी पिलाएं, लवंग से सिद्धित या सुंठी से सिद्धित पानी का सेवन कराएं। सोमलता फांट, ये बड़ी उपयोगी चीज़ है, सोमलता बाजार में मिलती है, योगकुट कर लें और उसका फांट बनाएं, यानी 1 बार बॉयल, 4 चम्मच दवाई ले लें, 4 कप पानी और 1 बार बॉयल होकर उसी में ठंडा होने दीजिए, ये फांट हो गया। इसको दिन में 1-1 घंटे के अंतर्गत रोगी को पिलाएं, इससे डिस्निया में निश्चित रूप से पेशेंट को आराम होगा। इसके अलावा डायबिटिक है तो डायबिटीज़ की दवाई भी आप चालू रखें, माँ मज्जा घन बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार और गुरमार घन बटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, इस सेवन कराएं। आवश्यकता पड़ने पर बसंत कुसुमागर का भी प्रयोग आप इसमें करना चाहिए। तो इस तरीके से ये प्रॉपर ट्रीटमेंट देने से निश्चित रूप से पेशेंट में आराम प्राप्त होगा। अच्छा, ये वात पित्त प्रकृति का है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप ट्रीटमेंट देते हैं, और इनको निमोनिया की भी हिस्ट्री है तो निमोनिया का ट्रीटमेंट मैं बता चुका हूँ, उसका भी प्रयोग आपको करना चाहिए। हमारे साथ हमारे साथी चिकित्सक, जिज्ञासु चिकित्सक जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आशुतोष कुमार पटना से, डॉक्टर मनदीप शुक्ला, डॉक्टर रचना जायसवाल, डॉक्टर विक्रांत शर्मा, डॉक्टर नेहा साहू, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी जी, डॉक्टर मनोरंजन साहू जी, डॉक्टर उषा तभानी जी, अनिल पांडे जी, निर्मला स्वाल जी, ज्योति बाला डामोर जी, विनेश्वरी श्रीवास्तव जी, राजेंद्र सिंह चहल, सुनील कुमार जी, नीलम गुप्ता जी, गिरिराज प्रसाद शर्मा जी और मेरे मित्र मोहम्मद साहिद जी, प्रशांत ससाने जी, प्रदीप मानवी जी, डॉक्टर संजय जी, डॉक्टर सोनल पटेल, डॉक्टर रामफल खोबरा, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर बलविंदर सिंह, डॉक्टर के एन गंगवार, डॉक्टर विनय मित्तल, आयुष दर्पण के डॉक्टर हमारे प्रिय, सभी के प्रिय नवीन जोशी जी, योगेश महाजन जी और रंजीत गुप्ता, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको हार्दिक धन्यवाद। आज हम हाइपर पिट्यूटरिज्म के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे डक्टलस ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है, सुप्रारीनल ग्लैंड्स हैं, जिनके द्वारा बड़े महत्वपूर्ण हार्मोन्स का स्राव उत्पन्न होता है, उनके उत्पन्न होने में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रोल अदा करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड में जब एडिनोमा, जिसको हम अर्बुद कहते हैं, विकसित हो जाता है, तब यह ग्रंथि
जो इस ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। अधिकता से 5 प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं हाइपर पिट्यूटरीज्म के कारण। पहला है जिगेनिटिज्म एंड एक्रूमेगेली, दूसरा है हाइपर प्रोटीनीमिया कसिंग सिंड्रोम, चौथा है हाइपर सिक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम ADH कहते हैं, और पांचवा है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी शीघ्र यौनावस्था। ये लक्षण रोगी में हाइपर पिट्यूटरीज्म में प्राप्त होते हैं, जब पिट्यूटरी ग्लैंड से या इसमें एडिनोमा विकसित होने लगता है, अर्बुद विकसित होने लगता है, तब इसके हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। और जैसा मैंने बताया, जिगेनिटिज्म एक्रोमेगेली, दूसरा हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया कसिंग सिंड्रोम, हाइपर सेक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH और प्रीकॉशियस प्यूबर्टी जैसे लक्षण प्राप्त होते हैं। आइए आज हम जिगेनिटिज्म और एक्रोमेगेली के बारे में चर्चा करेंगे। जिगेनिटिज्म को यदि हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसको दानवकायता कहते हैं, दानवकायता, और एक्रोमेगेली को भीमकायता नाम दे सकते हैं। जिगेनिटिज्म में यौवन अवस्था के पूर्व ही जब ग्रोथ हार्मोन अधिक मात्रा में पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रवित होने लगते हैं तब हड्डियों की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे शरीर की लंबाई भी बढ़ जाती है। इसके प्रमुख लक्षण हैं शिशु की अतिवृद्धि, आयु के पहले ही वृद्धि हो जाना, हाइट एवं विड्थ लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि शिशुओं में अत्यधिक मात्रा में हो जाती है। इसी को जिगेनेटिज्म कहा जाता है। आइए अब एक्रोमेगेली के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसको भीमकायता नाम दिया जाता है हिंदी में। जब लंबाई रुक जाती है तब ग्रोथ हार्मोन के अत्यधिक वृद्धि होने से एक्रोमेगेली होना संभावित है। एक्रोमेगेली के लक्षण हैं थकावट, फटीक, वेट गेन, वजन बढ़ जाता है, हीट इंटॉलरेंस, गर्मी बर्दाश्त पेशेंट नहीं कर पाता, अधिक पसीना आता है। कई बार आपने प्रश्न किया होगा कि पसीना बहुत आता है, तो देखिए ये एक्रोमेगेली में भी ये लक्षण प्राप्त हो सकता है। ललाट का बाहर निकल जाना, हस्तपाद में वृद्धि और काइफोसिस, फॉरवर्ड बेंडिंग इज कॉल्ड द काइफोसिस, बैकवर्ड बेंडिंग इज कॉल्ड द लॉर्डोसिस, लेटरल बेंडिंग इज कॉल्ड द स्कोलियोसिस। लेकिन ऐसे पेशेंट में काइफोसिस होता है, फॉरवर्ड बेंडिंग। जीवा बड़ी हो जाती है, लिप्स बड़े मोटे हो जाते हैं, नोज नाक भी मोटी हो जाती है। हाइपरटेंशन का पेशेंट इस हो जाता है, इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है और कभी कभी कार्डियक फेलियर तक भी हो सकता है। आवाज में आवश्यकता से अधिक भारीपन, लेडीज में अनार्तो एमिनोरिया हो सकता है, पुरुषों में इम्पोटेंस, ये लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। अब आइए एक्रोमेगेली और जिगेनिटिज्म का क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अहित आहार विहार का सेवन बंद कर दें, निदान परिवर्जन करें, गुरु एवं अवतर्पण आहार का सेवन करें, सर्वांग अभ्यंग स्वेदन लेखन वस्तु इसमें अच्छी उपयोगी है, औपीड़न नस्य और विरेचन। और मैं तो कहूँगा
क्या पहले वमन विरेचन और फिर लेखन वस्ती लगाएं और उसके बाद अवपीड़न नष्ट करें। यह प्रक्रिया करने से निश्चित रूप से एक्रोमेगैली और जिगेनेटिस में निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। औषधियों में वचारी चूर्ण सर्पगंधा चूर्ण, वचारी चूर्ण 2.5 ग्राम, सर्पगंधा चूर्ण 2.5 ग्राम, विडंग चूर्ण 2.5 ग्राम, इन तीनों को मिला करके सुबह शाम पानी के साथ इसका सेवन कराएं। मेदोहर गुगुलू 2 गोली, गोक्षरादि गुगुल 2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा पंचकोण चूर्ण 2.5 ग्राम, शिलाज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, 64 प्रहरी पिपली 250 मिलीग्राम। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये मेरा अनुभूति योग है। पंचकोल चूर्ण 2 ग्राम, शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, 64 प्रहरी पिपली 250 मिलीग्राम, दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ आप सेवन कराएं। एक और योग है शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम और विडंग चूर्ण 2 ग्राम। ये तीनों मिला करके प्रातः एवं सायं शहद के साथ सेवन कराएं। काढ़े में तृण पंचमूल क्वाथ खाली पेट में इसका दिन में 2 बार सेवन कराएं। इससे जो मोटापा होता है, वेट गेन होता है, वो इसमें कम होता है। कांचनादि गुलू 2 गोली सुबह शाम को। एक और चूर्ण है जो बड़ा उपयोगी है, उसमें त्रिफला 2 ग्राम, गिलोय 2 ग्राम और विडंग चूर्ण 2 ग्राम। त्रिफला चूर्ण 2 ग्राम, गिलोय चूर्ण 2 ग्राम और विडंग चूर्ण 2 ग्राम, दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराएं। आसो अरिष्ट में पिपल्यासो 2 चम्मच, अभ्यारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम आप सेवन कराएं। पुनर्नवाष्टक क्वाथ का भी प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से निरंतर संशोधन करने के पश्चात जो संशमन औषधियाँ मैंने बताई हैं उनका प्रयोग करेंगे तो आप निश्चित रूप से एक्रोमेगैली या जिगेनेटिस में, जिसको हम दानोकायता कहते हैं और एक्रोमेगैली को भीमकायता कहते हैं, उसमें आप जीत पा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल फिर आपके समक्ष 4 बजे उपस्थित होकर के एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अब एक फैमिली हो गई है, हम फैमिली के रूप में 4 बजे बैठते हैं। आशा है इसी प्रकार आप उपस्थित होते रहें। नमस्कार, जय आयुर्वेद।